वाला साहब, आज आपकी जमानत के ऊपर कार्रवाई थी, उसका क्या फैसला आया है? देखिए, सत्य में विजेते यतो धर्मास्ततो जया, जहाँ सच है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। आज हमारे को एब्सोल्यूट बेल ग्रांट कर दी गई है, और इसके लिए मैं अपने लॉयर असीम सानी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे जज साहब हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि जो कोई इसका तो कोई ग्राउंड ही नहीं था हमारे ऊपर कोई ऐसे कार्रवाई का। ये मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया जा रहा था बाय बीजेपी के लोग, और जो एंटायर बीजेपी यूनिट है वॉज पैनिकिंग ड्यू टू माई सक्सेस इन पॉलिटिक्स, सो दे ट्राइड टू डिमिनिश माई इमेज। और आज का जो ये जवाब है, ये सबको जवाब मिल चुका है कि कोर्ट ने भी हमारे को जो है इसके ऊपर एब्सोल्यूट बेल ग्रांट किया, तो मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, जैसा आपने सवाल पूछा, पहले मैं आपके दर्शकों के लिए ये बता दूँ कि इनको इंटरिम जमानत जज साहब ने पहले ही लगभग एक महीना पहले दे दी थी इस केस में। ये वो केस है जहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का इलेक्शंस के दौरान में कोई वीडियो आया था, जिसको एलिजिडली कहा गया था डॉक्टर्ड वीडियो, और इन पर इल्ज़ाम लगाया था जैसी जी पर कि इन्होंने वो वीडियो शायद प्रिपेयर किया है कि चलाया, लेकिन वो IT एक्ट में ऑफेंसेस नहीं लगाए गए थे, ऑफेंसेस इनको 153A IPC में लगाया गया था। तो आज देखिए कैसा मज़ेदार दिन है कि आज वो IPC भी ख़त्म हो गया जिस IPC में झूठा पर्चा लगाया गया था इनके खिलाफ। बट हैविंग सेड सो, आज फैसला इस ग्राउंड पर नहीं आया, केसेस तो वो चलेंगे जो केसेस बने हुए थे, लेकिन जो 153A का FIR पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ लगा था त्रिकुटा नगर में, जिसे आप बहुफोर्ट पुलिस स्टेशन कहते हैं, उसमें आज इनकी जमानत को जज साहब ने बहस सुनने के बाद, दो तीन दिन से हमारी लगातार बहस चल रही थी, वो सुनने के बाद जज साहब ने आज इनके फेवर में वर्डिक्ट दे दिया और इनकी जमानत को एब्सोल्यूट कर दिया, यानी कि इनकी जमानत को परमानेंट कर दिया। तो आज अभी हमने जमानत देकर आए हैं और जज साहब ने 50,000 रुपये की जमानत हमारी एक्सेप्ट कर ली है, और जैसे जी को जो है एंटीसिपेटरी बेल पर रिलीज कर दिया गया है। आगे आप इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जुर्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, और आपने आपको तो पता ही है इस सिलसिले में कि ये डॉक्टर सीडी एक स्टेट में नहीं, तेलंगाना में FIR लगा और कई स्टेट्स में FIR लगा, कहीं बनाई कहीं नहीं बनाई। इल्ज़ाम इन पर तो कभी ये था ही नहीं कि इन्होंने वो सीडी बनाई है, ना इन पर ये इल्ज़ाम IT एक्ट का कोई लगा हुआ है, ना कोई शेयरिंग का लगा हुआ है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा 153A। यही हमने जज साहब को आर्ग्यू करके आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बताया कि 153A IPC होता है जहां आप एनिमिटी कॉज करो बिटवीन क्लासेस, बिटवीन रिलीजन, बिटवीन पीपल। ये इलेक्शन के सिलसिले में अपनी कैंपेन कर रहे हैं, इनके एक पोर्टल से या इनके एक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो अमित शाह साहब की होती है, और इनके नहीं, कई पॉलिटिशियन ने की। अब उस पर इल्ज़ाम आता है बीजेपी के ऑफिशियली जो है उनकी कमेटी ने, जो उनके कमेटी के प्रबंधक हैं, उन्होंने एक FIR लगाते कहा कि जी इन्होंने एनिमिटी कॉज की है बिटवीन टू क्लासेस ऑफ पीपल। कौन सी वो क्लासेस थी, कौन वो लोग थे, किसका सीडी था, क्या होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, कभी उनका अपना इल्ज़ाम था, मतलब सीडी मेरी बनी है और इल्ज़ाम जो है वो राजस्थान में कोई जाके मेरा दोस्त लगा रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। एनी ये मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ये मैटर ऑफ ट्रायल है, मैटर ऑफ जब अगर कोर्ट में पुलिस समझेगी कि इसको चलान पेश करना है, वैसे तो नाकाबिले चलान है ये मुकदमा, लेकिन अगर पुलिस किसी स्टेज पे पॉलिटिकल उसकी वजह से चलान पेश करेगी तो ये हमारे आर्गुमेंट सारे वहाँ पर आएंगे। लेकिन फिलहाल बेल के लिए जज साहब ने आर्गुमेंट अप्रिशिएट किया, ही इज़ अ यंग बॉय, ही इज़ अ लॉ स्टूडेंट, और लाइफ का अभी अभी इनिंग्स खेल रहा है, अभी पॉलिटिकल एरिना में एंटर किया है, वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इसको उन दिनों हालात ऐसे बना दिया गया कि फैमिली और ये परेशान हो जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, छापामारी की जाए, लेकिन हम वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल जज श्री संजय परिहार साहब, जिन्होंने अपहोल्ड किया लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन, और एक यंग सिटीजन को आज बेल जो है वो मिली। वी आर वेरी थैंकफुल टू द इंडियन जुडिशरी एंड टू द जजेस। थैंक यू वेरी मच।